इस वीडियो के अंदर आपको एक एलिवेशन का डिजाइन देखने को मिलेगा जिसके अंदर पूरा धौलपुर मार्बल फिटिंग किया हुआ है। इसके अंदर जो ग्रेनाइट की पट्टी बीच में देखिए फिटिंग किया हुआ है इसमें, और डोर फ्रेम और उसके बाद में जो इसका रेलिंग रहता है रेलिंग का डिजाइन देखने को मिलेगा। विंडो में जो साइड से फ्रेम बनाई हुई है वो फ्रेम का भी देखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडो रहती है, विंडो में देख सकते हैं ये जो धौलपुर पत्थर आता है वो धौलपुर पत्थर में पूरा फिटिंग किया हुआ है। विंडो के अंदर भी जो पूरा राउंड के अंदर बनाते हैं, राउंड के अंदर किस प्रकार से आप विंडो को तैयार कर सकते हैं धौलपुर मार्बल में, अगर ऐसा आप लगाते हैं धौलपुर पत्थर तो उसका कैसा लुक रहता है 10 से 15 साल बाद में भी इसका देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है। जिसके अंदर दो कलर में फिटिंग किया हुआ है, ये जो डार्क कलर देख रहे हैं डबल राउंड के अंदर फिटिंग किया हुआ है। इसका ग्रिल देख सकते हैं, ग्रिल भी अंदर से फिटिंग किया हुआ है इसका, और स्लाइडिंग जो रहती है वो स्लाइडिंग अंदर से फिटिंग की हुई है इसकी, और ग्रिल बाहर से फिटिंग की हुई है। ये कभी कभी कोई कोई बिल्डिंग के आपको एलिवेशन के अंदर जो स्लाइडिंग रहती है स्लाइडिंग बाहर से देखने को मिलती है, और ग्रिल जो रहती है ग्रिल अंदर से देखने को मिलती है। तो इसमें पूरा ग्रिल बाहर से है और जो स्लाइडिंग है वो अंदर से ली हुई है। उसके ऊपर जो छज्जा बनाते हैं तो वो भी पूरा धौलपुर पत्थर के अंदर ही फिटिंग किया हुआ है, जिसके अंदर भी देख सकते हैं नीचे से एक पत्थर फिटिंग किया हुआ है, और उसके बाद में ऊपर आधा इंच की जो ग्रेनाइट की पट्टी आती है वो पट्टी देके ऊपर कविलू फिटिंग किए हुए हैं, क्रॉस के अंदर फिटिंग किए हैं जिसको कलर मार के फिटिंग किया हुआ है पूरा कम्प्लीट। इसको धौलपुर पत्थर को कलर भी कर सकते हैं आप, जैसा चाहिए वैसा कलर भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। इसमें देख सकते हैं वैसे ही काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी के साथ में देख सकते हैं। इसमें एक इंच की ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी दी हुई है, और बाद में इसको ब्रेक पैटर्न में फिटिंग किया हुआ है, जो चैम्पर मार के फिटिंग किया हुआ है इसको टुकड़ों को, जो 8 इंची बाई 6 इंच के टुकड़े हैं कंप्लीट इसके अंदर जो फिटिंग किया है ब्रेक पैटर्न में। इस प्रकार से आप ग्रेनाइट के भी टुकड़े लगा सकते हैं, और उसके बाद में ये डोर देख सकते हैं, डोर में भी इसमें पूरा फोटो फ्रेम फिटिंग किया हुआ है ग्रेनाइट की पट्टी के साथ में। इसको टोटल ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी जो देख रहे हैं दो प्रकार की पट्टी ली हुई है इसके अंदर, दो जगह पट्टी ली हुई है, और सिंगल मोल्डिंग के अंदर फिटिंग किया हुआ है। टोटल जो चौखट देख रहे हैं चौखट के अंदर सिंगल मोल्डिंग ही की हुई है कंप्लीट, जो ये देखने को मिल रही है आपको एक इंच की पट्टी के बीच में दोनों साइड से इसको सिंगल मोल्डिंग की हुई है। उसके बाद में डिजाइन की पट्टी आती है वो पट्टी ली हुई है इसके अंदर। उसके बाद में सामने से जो साइड से जो चौखट बनाते हैं वो चौखट भी वही पत्थर की बनाई हुई है, जिसके अंदर बीच में वही ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी देके फिटिंग की हुई है। ऐसा अगर अपन काम करवाते हैं तो इसका डिजाइन के हिसाब से रेट रहता है। एक नॉर्मल से नॉर्मल इसका सादा फिटिंग का चार्ज 40 से 50 रुपये रहता है, जो बिल्कुल सादा फिटिंग करते हैं अगर धौलपुर पत्थर की अपन, और उसमें ऐसा डिजाइन देके फिटिंग करते हैं तो वो डिजाइन के हिसाब से इसकी रेट रहती है। और जो मोल्डिंग करवाते हैं इसकी तो मोल्डिंग की 50-60 रुपये रनिंग फुट की रेट रहती है इसकी। और ये गेट देख सकते हैं, गेट भी इसका 10 से 15 साल पुराना ही गेट है जो पूरा सागवान का बने हुआ है, और लाखा रेड ग्रेनाइट के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी देखिए फिटिंग की है, जिसको डबल मोल्डिंग के अंदर फिटिंग किया, और राइजर में भी वही टुकड़ों में राइजर बनाया हुआ है। जो राउंड के अंदर स्टेयर केस बनाते हैं तो उसका कैसा लुक रहता है वो भी देख सकते हैं इसके साथ। ये टोटल 3 स्टेयर केस हैं। उसके बाद में इसका जो ऊपर का POP रहता है वो POP का भी डिजाइन देख सकते हैं इसके साथ साथ में, जिसका कैसा लुक आ रहा है वो भी 10 साल पुराना ही है, जो 10 साल पुराना बाद में कैसा लुक आ रहा है इसका पूरा जो व्हाइट कलर किया हुआ है इसमें पूरा डिजाइन देख सकते हैं। ऐसे डिजाइन ले सकते हैं इसके अंदर POP के अंदर आप भी। जो पोर्च रहता है, पोर्च के ऊपर जो सीलिंग रहती है वो सीलिंग का डिजाइन है ये कंप्लीट, और सामने से जो इसको रेलिंग रहती है वो रेलिंग का भी एक देख सकते हैं इसके अंदर, पत्थर के अंदर ही पूरा ये डिजाइन निकाल के और ऊपर से इसको रेलिंग है। इसके अंदर जो ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी यूज़ की हुई है, ये पट्टी सामने सामने का जो वॉल रहता है वो वॉल में लिया हुआ है, बाकी इसमें प्लेन फिटिंग किया हुआ है। जो एंट्री का जो एरिया है वो एरिया में पूरा इसमें सादा सादा ही फिटिंग किया हुआ है। उसके बाद में ये रेलिंग देख सकते हैं इसके अंदर, वही स्टील की रेलिंग फिटिंग की हुई है। उसके नीचे लाखा रेड की ग्रेनाइट की पट्टी फिटिंग की है, जो सिंगल मोल्डिंग के साथ में फिटिंग की हुई है। ऐसा एक सादा रेलिंग बनवाते हैं तो इसका 400 रुपये रनिंग फुट चार्ज लगता है, जिसमें ये देख सकते हैं 3-4 पाइप आ जाते हैं और खड़े खंभे आ जाते हैं इसके अंदर। ऊपर से एक पट्टी आ जाती है, जो पाइप रहती है वो पाइप आ जाती है 2 इंच की पाइप आ जाती है इसके अंदर। और ये उसके सामने का एरिया देख सकते हैं, जिसमें पूरा सादा ही फिटिंग किया हुआ है चैम्पर मार के, जो ब्रेक पैटर्न में फिटिंग किया हुआ है कंप्लीट, जो भी फिटिंग किया हुआ है। और उसके बाद में इसमें जो लाखा रेड ग्रेनाइट फिटिंग किया हुआ है 170 रुपये पर स्क्वायर फुट से मिल जाते हैं राजस्थान के अंदर, जो होलसेल प्राइस बता रहा हूँ आपको इसकी। और इसके अंदर लाइन पॉलिश का भी माल आता है तो वो माल आपको थोड़ा सा महंगा गिरेगा, 10-20 रुपये पर स्क्वायर फुट से रेट ज़्यादा रहती है उसकी। ये सादा हेड पॉलिश का मटेरियल है। उसके बाद में एक पिलर देख सकते हैं इसके अंदर, जो पिलर का भी डिजाइन वही धौलपुर पत्थर में फिटिंग किया हुआ है। पिलर्स की बहुत सी वीडियो पहले भी आई हुई है, वो भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेनाइट के और टाइल्स के पिलर बनाए हुए हैं उनके बहुत सी वीडियो हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। धौलपुर पत्थर के अंदर किस प्रकार से आप पिलर तैयार करवा सकते हैं वो भी एक आइडिया ले सकते हैं। इसका अगर धौलपुर का आपको काम करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ से आप नंबर लेके आप ले सकते हैं। इनकी क्या प्राइस रहती है और कैसा इसका रेट रहता है, धौलपुर जो पत्थर रहता है उसका कैसा
क्या प्राइस रहता है, उसके पूरी डिटेल ले सकते हैं आप। अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको सामने का बता देता हूँ। ये कुछ टेबल बनाई हुई है यहाँ पे ग्रेनाइट के अंदर ही, जो वाइट मार्बल आता है सादा उसमें और जो ब्लैक ग्रेनाइट आता है उसके अंदर बनाई हुई है कंप्लीट, बैठने के हिसाब से ये तरीके से आप बना सकते हैं। जो वेस्टेज मार्बल बचता है अपने पास में तो उसको ये तरीके से आप यूज़ में ले सकते हैं, जहाँ पर टेबल बन जाती है बैठने के हिसाब से। और ये इसका एक साइड का लुक हो गया पूरा कम्प्लीट, जो डबल फ्लोर का बंगला है ये कम्प्लीट, जिसके अंदर सामने का जो रोड की तरफ का है जो एरिया है वो एरिया में पूरी ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी देके फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद में इसमें ऊपर जो रेलिंग लगी हुई है वो रेलिंग का थोड़ा सा एक डिजाइन देख सकते हैं, इसमें अलग प्रकार से डिजाइन फिटिंग की हुई है इसके अंदर देख सकते हैं, जो टुकड़ों के अंदर लगाई हुई है पाइप के जो टुकड़े देख रहे हैं वो अलग अलग डिजाइन के हिसाब से लगाई हुई है इसके अंदर। उसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे इसमें दो पिलर का और डिजाइन देखने को मिलेगा आपको, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर रहता है, ग्राउंड फ्लोर में जो मेन एंट्री रहती है वो एंट्री में भी ऐसे पिलर बनाए हुए हैं कंप्लीट। नीचे टोटल तीन पिलर हैं इसके अंदर, जो वही लाखा रेड ग्रेनाइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके इसमें बनाए हुए ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी और थोड़ा सा इसमें लाखा रेड ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जिसको मोल्डिंग के अंदर यूज किया हुआ है, बाकी इसमें वही धौलपुर पत्थर फिटिंग किया हुआ, कुछ कुछ जगह इसमें टुकड़े लिए हुए लाखा रेड ग्रेनाइट के। दो पिलर ये देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें नीचे फ्लोरिंग का अगर डिजाइन देखेंगे तो फ्लोरिंग के अंदर पूरा ग्रीन मार्बल फिटिंग किया हुआ है, जिसके अंदर जो लाखा रेड ग्रेनाइट आता है उसका पट्टी लिया हुआ है 2 इंच का साइड से, बीच के अंदर देख सकते हैं ग्रीन मार्बल है और साइड से कटनी जो मार्बल आता है वो मार्बल फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर, जो पूरा एक फ्लोरिंग का देख सकते हैं। पार्किंग जो एरिया रहता है वो एरिया में देख सकते हैं ये प्रकार से आप फिटिंग कर सकते हैं। जो पोर्च रहता है अपना सामने का जो विंडो और डोर के सामने का जो वाल है वो वाल के अंदर देख सकते हैं पूरा ब्रेक पैटर्न के अंदर ये जो 6 इंच बाय 6 इंच के टुकड़े बना के फिटिंग किए हुए हैं, जिसको कहीं पे 2 सूत बाहर निकाल के फिटिंग किया हुआ है और कहीं पे इसको फेस में फिटिंग किया हुआ पूरा लेवल में। और ये डबल राउंड के अंदर विंडो है जिसमें सिंगल मोल्डिंग की पट्टी फिटिंग करके बीच में 2 इंच की डिजाइन पट्टी ली हुई है इसमें, और सिंपल सा इसमें ग्रिल फिटिंग करके अंदर से इसमें स्लाइडिंग फिटिंग किया हुआ है, वैसा ही सेम डोर का लिया हुआ है डिजाइन कंप्लीट, जो ये देखने को मिलेगा आपको आगे। नीचे भी सेम वैसा ही डिजाइन लिया हुआ है इसके अंदर, जो 2 इंच की रेडीमेड डिजाइन पट्टी आती है वो पट्टी फिटिंग की हुई है, जो स्कर्टिंग लगाते हैं अपन स्कर्टिंग की जगह। इसमें टोटल 2 विंडो है और एक इसके अंदर डोर आ जाता है मेन एंट्री का, जो देखने को मिलेगा आपको आगे। इस प्रकार से आप एक धौलपुर पत्थर के अंदर डिजाइन तैयार कर सकते हैं, जो धौलपुर पत्थर रहता है उसमें क्या प्रकार से आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं वो एक चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। इसका कैसा लुक रहता है 10 से 15 साल बाद में वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर ये डोर आ जाता है यहाँ पर मेन एंट्री का, जो 7.5x7.4 का डोर है इसके अंदर पूरा कंप्लीट, और ऊपर का फोर सीलिंग वैसा ही सेम लिया हुआ है, जो पीछे का साइड से लिया हुआ था वैसा ही सेम इसमें फोर सीलिंग का डिजाइन लिया हुआ है कंप्लीट। ये भी जो भी काम देख रहे हैं इसके अंदर वो पूरा कम से कम भी 10 से 15 साल पुराना काम है, जिसका कैसा लुक रहता है ये एक आइडिया ले सकते हैं। POP के अंदर जो डिजाइन डाली हुई है वो भी पूरी 10 से 15 साल पुरानी है कंप्लीट, जो ये फिटिंग की हुई इसके अंदर डिजाइन ली हुई है, और जो कलर किया हुआ है कलर भी टोटल इसमें 10 से 15 साल पुराना ही कलर है। जो पुराना बंगला रहता है वो बंगले का मैं आपको डिजाइन बताया इसमें बाहर का, इसका थोड़ा सा अंदर का फ्लोरिंग बता देता हूँ अभी आगे, जिसमें पूरा जो कटनी मार्बल आता है वो मार्बल फिटिंग किया फ्लोरिंग के अंदर, जो थोड़ा सा इसमें लाखा रेड ग्रेनाइट की पट्टी आती है वो पट्टी फिटिंग करके और बाद में सादा फिटिंग किया हुआ, जिसमें पूरे में डिजाइन मैच करके पूरा फिटिंग किया हुआ। जो मेन एंट्री रहता है वो एंट्री में ग्रीन मार्बल और जो लाखा रेड ग्रेनाइट पट्टी रहती है वो पट्टी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके इसमें दरवाजे का उमरा पट्टी बनाया हुआ है, और बाकी इसमें पूरा वही कटनी मार्बल जो आता है वो मार्बल फिटिंग किया हुआ है। ऐसा मार्बल अगर राजस्थान में परचेस करते हैं ग्रीन मार्बल तो आपको 40 रुपये से स्टार्ट होता है, 40 रुपये से मिल जाता है, और जो लाखा रेड ग्रेनाइट है वो 170 रुपये से स्टार्ट होता है, और जो इसमें बाकी सादा मार्बल देख रहे हैं ये 50, 60 रुपये, 70 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाता है कोई भी रिटेल प्राइस की दुकान पर आपको। और होलसेल की इसकी प्राइस की बात करते हैं तो होलसेल की प्राइस इसकी 15 से 20 रुपये का फर्क रहता है उसके अंदर होलसेल की प्राइस के अंदर। और इस प्रकार से आप अगर पॉलिश करवाते हैं मार्बल की तो इसका नॉर्मल 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फुट का चार्ज लगता है सादा पॉलिश का, और मिरर पॉलिश करवाते हैं तो इसका 30 रुपये पर चार्ज लगता है। ऐसा फिटिंग करवाते हैं सादा तो 30 से 40 रुपये में फिटिंग हो जाता है आराम से, कोई भी फ्लोरिंग के अंदर आप फिटिंग करवाते हैं मार्बल तो। और भी बहुत सी ऐसी वीडियो है जो राम कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, जो अलग अलग डिजाइन और अलग अलग पत्थर के अंदर आते रहते हैं। इसके अंदर जो भी धौलपुर पत्थर फिटिंग किया हो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर तो इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं इसकी डिजाइन की क्या रेट रहती है और इसकी जो पत्थर परचेस करने की प्राइस रहती है वो क्या प्राइस रहती है इसकी और इसका फिटिंग का क्या प्राइस रहता है वो पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में इसमें जो भी फिटिंग का काम किया हुआ है इसका अलग अलग प्राइस रहता है, इसके अंदर जो वीडियो में बताई हुई प्राइस रहती है वो हर कॉन्ट्रैक्टर की अलग अलग प्राइस रहती है। और भी बहुत से ऐसे वीडियो है जो चेक कर सकते हैं आप, और ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल मैप पे सर्च कीजिए, इसकी फ़ोटो मिल जाएंगी आपको, इसकी कोई भी अगर फोटो चाहिए तो ग्रिल की या और भी कोई चीज़ की डिज़ाइन की फोटो चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारी फोटो अपलोड होती रहती है नई नई डिज़ाइन के साथ में। धन्यवाद।